छान्यू मा कर्यूं डेरू घर गाऊं छोड़ूं चा धर्म को जाति को जनेऊ ओढ़ूं चा अमर माना कुछ नहीं चा क्या दगड़े बारे अपन हम बाद है बात हेलो गाइस, दिस साइड आशु अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप सभी होंगे हम सब लोग बढ़िया होला। तो आज व्लॉग हम दिखाने वाले छो मैं तुम ते ही मिलाने वाले छो अपर एक सर जी से जो पौड़ी मतलब पौड़ी जिला का समय नहीं चूंगा गाँव नाम में याद नहीं आना। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हो गया छो बाद जो पहल जॉब लग चाहिए तो वह को मैं टी एल चाहिए और जब हमने घर ले चाहिए तो उतर पता है जामिन तो उनते भी ले चाहे एक दिखा रहा तो उनते पसंद आ गया चाहिए तो उन भी एक खिले छो अपर घर। तो एक मैं रहो पड़ोस में बगल वाले बिल्डिंग में तो चलता चाहूँगा और गडवल गाना गाना मस्त। हम जब ऑफिस में कॉम्पिटिशन होता ना मेरे मतलब हैनोवर प्रोसेस था तो हमारा हैनोवर गॉट टैलेंट या कई कॉम्पिटिशन होना चाहिए तो वह मम्मी तो डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करो चाहिए क्योंकि मैं डांस पहले बटे वह हमारा इंटरेस्ट चाहिए और वो गाना चाहे गडवल गाना भी लगाना चाहे बिल्कुल ऑफिस में। तो चलता चाह फिर उंगार में दिखता चाह फिर क्या क्या होना चाहिए और उन लड़का था मिला वो भी आजकल पियानो वगैरह बजाना शुरू होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया। तो वीडियो देख छा मैंने फेसबुक में अपन लड़का डली चाहिए तो वो भी दिखा दो और चल दो फिर फटाफट। तो अब पहुंच गया हम तासर घर में। तासर को फोन कर चाहे कि मेरे पास घर में चाहो कि क्या तुम गया नहीं चाहो तो फिर घंटे तो बजे आए बस आने हो लो लो मारे आरुष बॉस क्या हाल है आरुष? नमस्ते। ठीक ठाक? क्या कर रही मम्मी चाय बनानी? आइए ना हमारे। नमस्ते। नमस्ते बाबू जी। तो हाँ जी सब बस बढ़िया। तो भाभी मन पहले फोन कर चाहिए कि चाय बढ़ा सके ना देख दे चाह के बॉक्स और कंच बिल्कुल है लगता हाँ। और कक्ष नंबर तास सर घर ही हाँ छुट्टी जी सड़क हमारे। नमस्कार भाई जी। हाँ ता सर पहला मटीरियल चाहिए अब मैनेजर बैठ गए तो बताइयो। धन्यवाद। आज छुट्टी लिए चुके रेस्ट लिए चुके काम पिंड गई लोड ज्यादा थे ना काम तब जाकर तबीयत डाउन हो गया बोले साल तक तो मैं तो बटे त्याग पत्र दिया चाहिए ताज सर अभी मैनेजर बढ़ गई वक्त तो कहते नौकरी और चाकरी लगाना होना है मैं तो ताज सर से कांटेक्ट करें ना बाकी ताज सर यूट्यूब चैनल से तो भी सब्सक्राइब कर देना वहाँ जाते डेली मोटिवेशनल स्टोरी सुन वगैरह वाले तो वहाँ में देख देना वहाँ आरुष तक भी पियानो वीडियो गड़े बजान बिल्कुल नीच के पियानो में देसी देसी मतलब हिंदी सॉन्ग या बॉलीवुड सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग बजान बोलो गड़े भी बजान है ना आरुष। तो आप चाय वगैरह पिया बहुत बड़ी और अब क्या बोलता ताज सर से पूछता हम की कनगन राग मतलब कब ऐसा हो यक दिल्ली पहले तो मतलब ऑफिस में बताई चो बाकी जो लोग दिखना चाहिए उन्हें भी पता चल जाए कि घर बैठा है कन मतलब क्या हिसाब से रहे ना। और ताज सर जो पिताजी छिन वन पटवारी छिन ना ग्राम विकास अधिकारी हाँ ताज सर बताओ था कनगन राग अभी तक मतलब कब है आप कितने साल पहले? मैं दिल्ली आया छो 2005 में। 2005 में जो छो मेरे लास्ट छो कॉलेज फाइनल ईयर तो इम्तिहान दे छा मैं और हम दिल्ली आ गए छा तो बट शौक चौके दिल्ली जाला भाई नौकरी कर ला पैसा कमा ला बैठ गया दिल्ली था गांव का एक आदमी तक रह गया दिल्ली दिल्ली आ कर देखी तो भाई साहब देखो तो माहौल ही कुछ और रात में कमरा में गया तीन मंजिला बिल्डिंग है एक छोटू सी कमरा जब जन कमरा हमारा घर में रहता ना छोटा सामान सुमार हूँ उन्हीं छोटू सी कमरा नवे माँ खिड़की नवे माँ बिस्तर मैं से बड़ो बैठ रहा चौक तो गद्दा बिछ रही हूँ वहाँ मैं तकिया रखी हूँ एक छोटी सी गैस रखी हूँ वहाँ का मत्ती जो चुल्लू बंद वहाँ रखी हूँ पेट्रोमैक्स टाइप ऑफ और ओके थोड़ा सी भुजी बजे रखी और ऑफिस सर अभी देखिए भाई साहब एक अब गर्मी में आया छो मई जूना टाइम फिर एक पंखा चलो छो मेरे बोल भाई मैं तो हूँ गर्म चल बोल कोई बात नहीं मैं शायद कोई और व्यवस्था वो लेके छत छत में गए देखो लाइन लगी भी जहाँ लोग कोई बिहार और कोई दरी भी सैकंसियाँ मुकक सिंह भाई लगा
भाई साहब दरी बिछे सही है। सुबह 6 बजे यहाँ का खुल गई क्योंकि दिल्ली में आते हुए तेज घाम है जान सुबह बिल्कुल भाई मैं तलक हूँ बहुत तेज घाम चल बोलता हूँ कमरे में चलना। कमरे में गया नया धोया खाना वाना खाया भैंस चल गई ड्यूटी मोर में क्या करो भाई अब घर में तो परेशान है जब तो थोड़े से दूर में तिलकपुर में फूफ रहा मेरी तो इन बोल चल तो फूफा ही छोड़ दूँ वहाँ बाद फूफा ही चल गया हूँ घर तरह ठीक छो कूलर भी छो टी वी भी छो तो थोड़ा अच्छा लगे पर पहले आया कहीं तो हालत खराब थी मैंने अपने बैग बोल में यार एक काम कर घर में आना तुम्हारे बसो नीचे तू 2-4 दिन में मित्र नौकरी देख ली फिर इन मित्र नौकरी नौकरी देखी तो नौकरी लग गई मेरे एक पेट्रोल पंप में। अच्छा पेट्रोल पंप में लोगों थोड़ी बात करना उनसे नंबर वगैरह लेने पड़े चाह अब घर बैठे अंग्रेज अंग्रेज आने नहीं चाहते ज़्यादा भले हमारे कॉलेज करी थी लेकिन गड़ा हुआ हिसाब किताब सब होते पता चल पहले पर करी थी 2-3 महीने नौकरी करी और बड़ा मुश्किल से करी नौकरी भी सुबह गाड़ियों का धक्का मांझा बीच में घुसे कन 6 बजे 6:30 बजे शाम को 8-8:30 बजे फिर खा पिया फिर धीरे धीरे कर फिर आदत पड़ गई फिर एक बात धीरे 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 कर नौकरी बदले नहीं टाइम बदले वे कमरा पटी है का कमरा में गया है का कमरा पटी है का कमरा में गया एक जगह गया नौकरी अलग अलग पकड़ी फिर एक बात 2010 में भी हुए फिर एक बात छोटे छोटे फिर तबीयत तबियत खराब है एक भी बार की मैंने बोल चल आप गाड़ी लेता हूँ घर में देख रेख में कोई दिक्कत नहीं चाहिए पर फिर मैंने सोच में आप गाड़ी लेते हैं थोड़ा मैं देख लूँ बाद हम किराया कमरा ले किराया कमरा लेना बाद कंपनी में अच्छी लग गई फिर थोड़ा प्रमोशन वगैरह भी पैसा पूछा बढ़ गए फिर हम अच्छी जगह चले गए किराए में वही के बाद हमने देखी आशीष हम दड़े आशीष बहुत मेहनत लड़का चाहिए अपना दम भरा सब कुछ करी पढ़ाई लिखाई से लेकर अपनी ग्रोथ की वजह से इन घर तक भी लेती ऐसे इंस्पायर है कि हमने भी सोची कि जब अकेले तक कर सकूँ तो हम भी कुछ करते ना फिर हमने भी जब फिर दूँ कि हमने भी घर ले मकान भले लोन पर रहते कुछ हमें किस दिन कुछ पैसे देना कुछ हमें लोन पर चलना चाहिए पर भगवान दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बैलेंस है नीचे थोड़ा टाइप है पंताज सर बहुत बढ़िया सुना दो गीत इस ऑफिस में जब अप कर दे चाहिए तो ऑफिस में ताज सर जागर भी सुनिए ताज सर कोल जागर सुना चाहो बड़े द पर्व बोल है हां सिल्की बांधो जागर काफी फेमस है अब सब देश से ज्यादा देश में तो समझ में आंदनी जो कुछ भी हां लेकिन इसमें के टोन म्यूजिक चलो ना समूह तो बढ़िया लगता है तो थोड़ा रन चाहो तो मजा आनी चाहिए हां और जो देश रन था देश लोग पे नचड़ा है जाऊंगा हां वही तो ऑफिस में मतलब हर खूब एक्टिविटी वगैरह होनी चाहिए तो हम पार्टिसिपेट करना चाहिए मतलब तासल गड़ोले होते पैते निर्णय देना चाहिए कि भी चीज़ में कॉम्पिटिशन मैंने बताई चाहिए कि आरस बजान बढ़िया पियानो तो आरस बता लाज कि कोल गड़वल गीत सुनाना बोल चाह आरस नमस्कार आज मैं बजान जानो था लता मंगेशकर जी को पहलू गढ़वाली गीत नंबर में दी मेरे वेरी गुड चल चलो करो स्टार्ट है वेरी गुड अब ये बात क्या बजल आरुष तेरे लगा मा चलो वो जा फिर स्टार्ट अब सुनाओ चो आरुष लास्ट गीत तेरी गाड़ी को गुग्याटो सुबनो वे जा आरुष रेडी पापा बहुत बढ़िया गड़बड़ गाना सुना पहले पता चल थोड़ा आज तबियत डाउन हुई
तेतर बहुत बढ़िया। वो एक गाड़ा सुना जब तो ऑफिस में जब बैठे रहते थे ना दगड़ी में, तो वो गाड़ा चे कि छाती में करियो डेरो, इतना बढ़िया गाना होता है। आई ना बहुत जी है अरब दिल्ली में करियो डेरो बहुत कुछ बिल्कुल गीत लगा रहा था ऑफिस में जाकर। अच्छा लाइन के बाद में हाँ छानियो मां करियो डेरो घर गाँव छोड़ियो चा धर्म को जाति को जनेऊ ओढ़ियो चा खड़ोनी त्यारा बाना लठाली तेरे खातिर खड़ोनी त्यारा बाना लठाली तेरे खातिर नी होंदु मैं पुजारी तेने ओण्या जवानी को निहर दु तो आँख्यों मां निरोंदु सदानी को दुनिया समाजो को मुख मुड़ियों चा खड़ोनी त्यारा बाना लठाली तेरे खातिर। बहुत बहुत भाभी जब क्या तुम्हारे बारे करनी चाहिए क्या पर इसको लिखवाई दगड़े चाहिए हमारे बारे कुछ नहीं चाहो हाँ क्या दगड़े बारे यहाँ पर हम बाद है बात बाद है बात अच्छा तुम्हारे बात अच्छा वो बात ना हो तो शुरुआती दिनों की बात होगी। अच्छा अच्छा जब डेट करी चाहे बिल्कुल तारीफ है क्या तुम्हारा खाड़ो मड़ो बड़े बड़ा अच्छे बहुत बढ़िया है मतलब तारीफ होनी चाहिए। ये बोली जी पहले तुम दल कह दे बोले कि मेरी तारीफ करे ना जन्नी ब्लॉग बना ले बिल्कुल। आई होप आप थे अच्छे लगो लियो ब्लॉग देखो ला अपन कि कंता सर अजो लड़का चे मतलब अब भैर भी रहना चे ना तो कम से कम ये हो गड़बल गाना भी आना चाहिए और सबसे बढ़िया बात है कि गड़बल गाना आंद आंद मतलब बजान भी आना चाहिए और वहाँ इंटरेस्ट है तो यहाँ हमारे पेरेंट्स तक भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती कि जन जै हिसाब से आप अपने बच्चे से डल ला वो हिसाब से मतलब बच्चे भी डल दूचे। अब तुम बच्चों होते अपन गड़बल सिखा ले नहीं वहाँ बारे में बताओ ले नहीं तुम तो भी कखा नान इंटरेस्ट तो जै हिसाब से उन गड़बल गाना गाना रहता घर में अपन बजाना रहता तो बच्चों भी वहाँ इंटरेस्ट आंदो और बजाता छ तो ये ब्लॉग तो अगर अच्छा लगो आप थे तो जरूर शेयर करें और जो छोटे बच्चे छ जरूर दिखें कि ये हिसाब से थोड़ा बहुत वो भी सीख लें जो मतलब जो थे अभी गड़बल में रुचि नहीं आनी तो इस हिसाब से लिखिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि अपन मतलब आजकल बच्चे भी ये चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए ना और बहुत सही है। बाकी शेयर जरूर करिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट जरूर करिए तब और उससे वो तभी मतलब अप्रिसिएशन मिले और वो भी और मोटिवेट हुआ ऐसे चीज़ करना को ना। तो दगड़िया ब्लॉग अच्छी लगी हो तो शेयर करिए कमेंट करिए और लाइक करिए और अगर चैनल पर नया था तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय उत्तराखंड।